हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेसबुक पेज है फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल आईडी है तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल की आईडी पर या फिर अपने फेसबुक पेज पर हम ब्लू टिक किस तरीके से ला सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका अकाउंट है वो फेसबुक की तरफ से वेरीफाई हो जाता है। इससे आपको ज़्यादा लोग समझते हैं, जब भी आपकी कोई फेसबुक प्रोफाइल आईडी है वो देखेगा, उस पर ब्लू टिक होगा, वो सीधे सीधे समझ जाएगा कि यहाँ इस व्यक्ति को हर कोई, बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, इससे यही बेनिफिट होता है। अगर आपको ब्लू टिक मिल जाता है तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, जो कि आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप देती हैं, जो कि एक एक दो दो मिनट की वीडियो बनाने के लिए आप वहाँ पर लाखों चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ब्लू टिक किस तरीके से लगाना है अपनी फेसबुक आईडी पर। सबसे पहले अपनी फेसबुक आईडी ओपन करेंगे, अपनी आईडी को अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है फेसबुक वाली। ठीक है, उसमें आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। थ्री लाइंस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक आईडी की लिंक को कॉपी कर लेना है। इसके लिए जैसे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो आपकी सी योर प्रोफाइल, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको थ्री डॉट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। नीचे में आपको देखने को मिल जाता है कॉपी लिंक, ठीक है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद में बैक आ जाना है। इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जो कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद में हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हेल्प सेंटर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है BERI वेरीफाई अकाउंट विथ ब्लू वेज। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। दूसरे नंबर पर ये देख पा रहे हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आ जाता है हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफाई वेज ऑन फेसबुक। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन है, इसी पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरीके से होगा पूरा का पूरा पेज। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ को ये भी देख लेना है, जैसे कि वेरीफाई योर प्रोफाइल योर पेज, ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट आर यू वेरीफाई। ठीक है, यानी कि आप क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, अपने पेज के लिए या फिर प्रोफाइल के लिए। तो मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर जो यूजर्स हैं मेरे, वो उनके फेसबुक पेज बहुत कम है। ठीक है, पर जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो दोनों का ही एक ही तरीका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल है इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। इस पर आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा प्रोफाइल पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, इस पर आप टिक करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि एक आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इंटरनेशनल आइडेंटिटी जो कार्ड होता है। ठीक है, एक कार्ड होता है इंटरनेशनली। ठीक है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ में आप टैक्स रिलेटेड या फिर बिल से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होना चाहिए आधार को छोड़कर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल में लगभग आती हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है कुछ, जैसे कि इंडिया में रहते हैं तो खाली सिर्फ इंडिया के लिए होता है, पर वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड के लिए बाहर किसी कंट्री में नहीं माना जाता है ज़्यादातर जो है आधार कार्ड। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल गया है फाइल्स। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब तो मैंने यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ोटो है वो ऐड कर ली है, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है कैटेगरी, तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि न्यूज मीडिया या फिर आप कोई न्यूज का काम करते हैं मीडिया के ज़रिए, तो आप यहाँ पर न्यूज मीडिया सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सपोर्ट या फिर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी वर्क करते हैं जिस तरीके का, या फिर आप कोई बिजनेस मैन है तो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे ऑप्शन को, या फिर आप कोई और है तो आप यहाँ पर ऑथर सिलेक्ट कर सकते हैं।
और आप जानते हैं कि न्यूज देता हूँ सिर्फ लोगों को, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा न्यूज एंड मीडिया, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यानी कि किस कंट्री से हैं, तो वो आप यहाँ पर अपनी कंट्री ऐड कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर कंट्री ऐड कर देता हूँ, हमने यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में ये ऑप्शनली हैं, इन्हें आप छोड़ सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर एक फेसबुक की लिंक, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको सेंड पर सिंपली क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल गया है सपोर्ट इनबॉक्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑथर के नीचे, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं 24 जुलाई को मैंने ये किया है, ठीक है। यहाँ पर टाइम की बात कर लेते हैं, आपके 1 तारीख से 30 दिन लग जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है कि इसमें आपको 30 दिन लग सकते हैं, ठीक है। 30 दिन के बाद ही आप दोबारा ट्राई करें, अगर नहीं होता है तब ये पहली बात तो ये आपको रीज़न बताएंगे कि आपका ब्लू टिक क्यों नहीं मिल सकता है, अगर आपको नहीं मिला है तब। नहीं तो ये आपको ब्लू टिक मिल जाता है अगर आपने सही से इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है सी ऑप्शन, ठीक है। तो हमें ऐसे ही रहने देना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।